स्वागत है आपका हमारे पहले इंडिया ट्रेवल ब्लॉग में, जो कि है माँ वैष्णो देवी की यात्रा। ना मैं कर देना कोई गल नहीं, ठीक है, उतर जाता ना, उतर जाता। अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हो और आपने टिकट ऑनलाइन नहीं ली है, तो आपको कटरा के बस स्टैंड पे अर्ली मॉर्निंग क्यू में लग के टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड ही होती हैं। टोकन लेते ही आपको जाना है हेलीकॉप्टर टर्मिनल पे, जहाँ पर होगी पेमेंट और उसके बाद मिलेगा आपको बोर्डिंग पास। अभी हमारे लिए बोर्ड है, अभी बोर्डिंग गेट पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना। तो क्या अच्छा, वो बार मतलब कब चेक करूँ, बार बार चेक करना पड़ेगा क्या? ठीक है सर। पंजाब पटियाला चेंज नहीं है। तो फाइनली वेट करने के बाद हमारी टर्न आ गई थी। उसके ऊपर लाइक स्लिप के ऊपर 11:30 का टाइम था, एंड अराउंड 11 o'clock उन्होंने हमें कॉल किया। पहले वेट हुआ हमारा, वेट मेजर किया और फिर हमें बोर्डिंग पास दिए। अभी बस हम जाएंगे, कैब में जाएंगे, लेकिन इनकी टैक्सी होती है जो हमें लेके जाएगी ऊपर, और जहाँ से चौपर होता है फिर वहाँ पे मिलते हैं आपको। हेलीकॉप्टर में रिकॉर्डिंग अलाउड ना होने की वजह से कैमरा डाला हमने बैग में, और कुछ मिनटों में ही पहुंच गए हम भवन के पास। हेलीकॉप्टर ने हमें एक पॉइंट पे उतार दिया था, वहाँ से हम लोग वॉक करते करते यहाँ पर पहुँच गए, एंड ऑलमोस्ट हमें 30 to 45 minutes लग गए हैं। बाकी आपकी वॉकिंग स्पीड पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। एंड रास्ते में प्रसाद के लिए कुछ कुछ शॉप्स आती हैं, एंड वो कुछ ही शॉप्स हैं, इवन उसके आगे एक बोर्ड भी लगे हैं जहाँ पर लिखा होता है कि हाँ, इस पॉइंट के आगे कोई भी प्रसाद की कोई शॉप नहीं मिलेंगी, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अभी यहाँ पर है लॉकर रूम, जहाँ पर हम सारा सामान सबमिट कर देंगे एक्सेप्ट प्रसाद एंड कुछ कैश। तो इसके आगे कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन फोन। सो रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे करते हैं एंड। परिवार के व्यक्ति को बिठाए दो।
भवन के दर्शन कर लिए हैं हमने और ये केबल कार की टिकट भी ले लिए। अभी जस्ट हम लाइन में हैं क्योंकि भैरवनाथ के मंदिर जाना था और शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो हम इस केबल कार के थ्रू ऊपर जाएंगे और मे बी आई थिंक शायद इसी से ही वापस नीचे भी आएंगे। 100 रुपीज़ की टिकट है ये। केबल कार से हम ऊपर आ गए थे तो फिर हमने वहाँ से प्रसाद लिया भैरवनाथ के लिए, बट क्या हुआ फर्स्ट टाइम पे मंकी ने मेरे हाथ में से खींच लिया और फिर हमें दोबारा से लेना पड़ा। उसके बाद हम दर्शन करके जस्ट अभी वापस आए हैं एंड फिर से हम केबल कार से ही नीचे जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड उसके बाद आई थिंक हम अर्धकुंवारी जा रहे हैं जाएंगे सेमी पॉइंट पर एंड उसके बाद अर्धकुंवारी पे जाएंगे राइट एंड उसके बाद आई थिंक हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन बैक टू कटरा। घोड़े ने नीचे जल्दी तो पहुंचा दिया लेकिन कमर पूरे से तोड़ दी। बहुत ही हिल रहा था फिर तो टांगे ही टूटी। टांगे बैक भी थोड़ी थोड़ी है ना। पापा पीछे तो हम लोग हेली में गए थे, दैट वॉज वेरी क्विक, लाइक हम लोग 15 मिनट में ही उसमें हेली में बैठ के पहुँच गए थे। बट आते हुए हम अर्धकुंवारी तक आए वॉकिंग एंड उसके बाद हमने लिया हॉर्स का राइड। अर्धकुंवारी से कटरा तक हम हॉर्स में आए हैं। बट एक और चीज़ जो हम कर सकते थे, वॉकिंग भी आ सकते थे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए शॉप्स थी, तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। हमें तो काफ़ी मज़ा आया, शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक, टाइम भी कम था क्योंकि हमें एक दिन में पूरा कवर करना था, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक साइड हमने क्विक रखा एंड दूसरी साइड थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हुए शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लिए और खाते पीते आए, तो बहुत ही मज़ा आया। एंड इस व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, और आप लोग अपने ओपिनियंस या कुछ भी आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।